हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मौसम बहुत अच्छा है और अभी देख सकते हो धूप खुल गया भाई, और हमारे बकरियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अभी सबको पर्दा उठा दिया हूँ और अभी सब देखो किस तरह खड़ी हैं। और आज भाई थोड़ा हमारी तबीयत खीर है सभी बकरियों का, क्योंकि अभी खाना वाना तो नहीं दिया हूँ, क्योंकि अभी आज इनको सारा साफ करना है अंदर से बाहर को सब पूरा, और इधर का पल्ली जो है इसको भी ठीक कराना है अभी। तो फिलहाल तो अभी आज कुछ भी नहीं रखा हूँ पालने के लिए, और आज मौसम साफ था इसलिए कुछ नहीं रखा, क्योंकि भूसा उसा कल खरीद के लाया था मम्मी, वहाँ से पैसा देकर खरीद के लेके आया हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि भूसा भी खिलाना बहुत जरूरी है। तो अभी दोस्तों आज लकड़ी बिल्कुल ख़त्म है, अभी देख सकते हो लकड़ी का सारा ख़त्म हो गया। अभी खाना बनाने के लिए तो काफ़ी दिक्कत होता है क्योंकि सारा खाना लकड़ी से बनता है चूल्हे पे। तो अभी के देखो रोटी वोटी बनना स्टार्ट है भाई। तो क्या क्या बनाया आज? सब्जी, चावल और हाँ। तो प्रिंस स्कूल है? कितने बजे का स्कूल है? 8 बजे के। तो भाई प्रिंस का स्कूल है, ये खा के भी निकलता है और हम भी अभी खाना पीना खाते हैं, तो चलते हैं, थोड़ा सा काम है कर लेते हैं फटाफट। तो चलो फटाफट पहले खाते हैं दोस्तों, चलो निकालो रोटी गरम गरम आ रही है, मजा आ गया खाने में। फिलहाल ले बेटा, बढ़िया बात है बेटा। भाई भाई प्रिंस पढ़ाई करने के लिए बहुत डरता है भैया, क्यों डरते हो? उतना कहा डराती तुम बताओ, इनके ने कहा न जाए तो कपू न जाइए, पर अपने मन से कभी तैयार नहीं होती। तो दोस्तों फाइनली भी खाना वाना खा के रेडी हो गया, और आज धूप बहुत अच्छा है दोस्तों, तो जर्सी उसे निकाल दिया हूँ, और अभी बकरियों को आज उबाला कुछ नहीं, तो आज भूसा है इसको पछोड़ रहे हैं ना। इसमें भाई बड़े बड़े जो कंकड़ होता है, जो मतलब भूसे का, जो उसको निकाल दे रही हैं, और छोटा छोटा इसमें अभी पछोड़ के इसमें गर्दब होता है इसमें। तो अभी देख सकते हो भाई आज कुछ नहीं खाएंगे, सभी दुबले पतले हैं आज। और ये हमारी बकरी जो जल गई थी भाई, अभी इसको ढांक के रखे हैं, क्योंकि इसको ढांक के हमेशा रखना पड़ता है, इसमें मक्खी बहुत बैठ रही है, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो अभी दवा मार्केट में जाना है लेने, क्योंकि किसी भैया ने आज सुबह सुबह फ़ोन किए थे, रात में फ़ोन किए थे, तो दवा वा बताएँ। तो अभी जाएंगे मार्केट, प्रिंस अभी स्कूल गया से कि लेके वो आता है, तो फिर फटाफट अभी जाएंगे, क्योंकि जब तक इनको हम चरा खिला लेते हैं, दाना वाना दे देते खा लेते हैं। तो दोस्तों इधर से थोड़ा सा इसको सही करना है, और भाई ये सरपत है, जो बरसात आएगा तो काफ़ी दिक्कत करेगा, बहुत जल्दी सड़ जाएगा। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं इसमें जो पतली पतली सड़कन है इसको निकाल के अच्छे से, और फिर से टटिया बांधेंगे ताकि बढ़िया सड़े ना बरसात में। तो इधर से अभी बहुत जानवर जाते हैं, और इस साइड से इधर से काफ़ी दिक्कत हो रहा है दोस्तों। इधर से रात के समय में क्या होता है कि वो उधर जो छुट्टा हुआ है उधर खाली है, इधर से ना कुत्ते और जो छुट्टे सांड है वो इधर से हल जाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत है। तो इसको भी बंद करना पड़ेगा इधर से, क्योंकि अभी साफ़ सुथरा हो गया है। तो इसको अच्छे से बनाने के लिए भाई अभी हमें और खर काटना पड़ेगा, तो अभी देखता हूँ छुट्टी मिलता है तो जाते हैं खर काटने के लिए। हाँ सबको लाएंगे सबको। तो भाई अभी इसको पछोड़ दें अच्छे से, और ये पिसान है दोस्तों, नमक है, उधर पालिस है, और ये भूसा है, चलो मिक्स करो सारे में। मिला देते पनिया दे तक तक दे उनका, इनका तीन जने का अलग दे दिया। बड़ा कहीं खोलो, बड़ा कहीं बकरी का वो उनका इनके खाजली जो रानी है, लाओ लाओ ले। ये मन का आटा, आटा पिसाने बस खाली गेहूं का, गेहूं नमक पालिस हाँ। भूसा भाई देख सकते हो, इसके पैरों में खून निकल रहा है, तो बहुत बड़ा मराम सा होता है। ले तो भाई अभी दवाई लगा रही हैं और खाना, तो भाई अभी इसको दवाई लगा रही हैं जो जल गई थी, और इसको अभी देखने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका घाव है, तो हम आपको नहीं दिखा सकते। आप भाई सामने से दिखाऊंगा तो आप विचलित हो जाओगे, इतना भयंकर इनको घाव हुआ है। तो अभी इनको फटाफट दवाई भी लगा लेते हैं, क्योंकि तेल भी ख़त्म हो गया है लाल।
अभी इतना तेल है थोड़ा, ये तो अभी मार्केट जाऊंगा लेके आता हूँ, चलता हूँ, क्योंकि पूरी दवा ख़त्म है तो इनको दवाई लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई इनका सुबह शाम सेवा करना पड़ रहा है और हम लोग तो किसी तरह का ले रहे हैं, लेकिन हम जब इनका घाव कोई अगर घाटते हैं कोई देखता ना तो विचलित हो जाता है, तो इसलिए आपको हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, बहुत ज़्यादा भी घाव हो गया है। तो हाँ, किसी तरह भाई हमारे बस के नहीं लगाना, लेकिन अभी ये मैडम जी लगा देती हैं सुबह शाम, ये सेवा करती नहीं, देखता हूँ रिकवर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इसको भी अच्छे से ढाँक दिया है ताकि इस पर मक्खी उक्खी ना बैठें। चलो चलो चलो, तो भाई अभी बकरियों को खोल दिया हूँ नहा वहा के, तो चलता हूँ थोड़ा इनको पाती वाती खिला देते हैं दोस्तों। चलो भाई, जो चटा गई है, जो जल गई है, उसको नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि उसको बांध के रखे हैं और वो चल भी नहीं पा रही है, तो उसको काफ़ी दिक्कत है, तो इनको लेके जा रहा हूँ भाई, थोड़ा पत्ती वत्ती खिलाऊँगा। लग गई नहीं लिया क्यों लग गई नहीं पाते कम खा भाई अभी पत्ती क्या होता है कि जो फल नहीं लगता आमों में, तो वो कसका बौड़ा भी आने वाला है, और जो महुआ को चाहते हैं, जो महुआ गिरता है जिसकी देसी दारू बनती है, तो वो भी आने वाला है, इसलिए हम लोग भाई अभी पत्ता वत्ता नहीं तोड़ेंगे क्योंकि गुलर उलर का पत्ता उतना है नहीं है, तो चलते हैं धूप खिला लेंगे इनको। अभी देखता हूँ कहाँ चलेंगी ये। आओ, तो भाई आज इसी बगिया में चराएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ थोड़ा आज चरने के लिए है, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बचा के लेके आना। तो भाई अभी हमारी बकरियाँ सारी चल रही हैं, और अभी देख सकते हो भाई यहाँ धूप भी खुला है, तो आज इसी में चराएंगे, क्योंकि यहाँ से चराएंगे तो इसमें हरी हरी थोड़ा धोबी हैं, ये हरा जो है पत्तियाँ दिख रही हैं इसको खाएंगे। और अभी कहीं भी मतलब कुछ चराने का जगह नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हर जगह गेहूँ कट गया, गेहूँ सॉरी दोस्तों, क्योंकि हर जगह गेहूँ बोया है, और इधर भी हरा चारों तरफ, मतलब अभी गेहूँ का समय है, और क्या नाम है, करंट लग रहा है चारों खेतों में, हर जगह खेतों में करंट लगा हुआ, तार लगा हुआ है। अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, और यहाँ पे देखते तो ये जो तार जा रहा है इसमें करंट है, और ये भाई गोरुओं के लिए सब, इतना लगाने के बाद अभी अंदर हल जाते थे, तो अभी इसको लगा दें, इसमें करंट है, तो इसके अंदर कोई भी जानवर नहीं जा सकता। तो अभी हम लोग भाई यहीं चराएंगे, पत्ती वत्ती खिलाएंगे, और आज दवाई भी लेने जाना है बकरी को, क्योंकि उसको घाव जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी सबको लेके आया हूँ, कुछ अभी बांधी हैं, ये कोई बांधी हुई है, और सबको लेके आया हूँ, तभी देखते तो अच्छे से चल रही हैं इधर, मतलब राई वो जमी है वो खा रही है ना चौरी के पास। तो दोस्तों आजकल थोड़ा चराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल मतलब कहीं जगह नहीं है, और जंगल जो है दो दूर है, और आजकल हम लोग कहीं ले भी जाते हैं तो चारों तरफ मतलब रूंधा बांधा होता है, तो काफ़ी दिक्कत होता है। चार दिन के बाद खोलूं, और कई दिन के बाद आज बकरी खुली भी है, क्योंकि भाई ठंडी की वजह से, और जब से वो जल गई, बच्चा मर गया, जब से बहुत ज़्यादा दुख होता था, हम लोग खोलते नहीं थे। तो अभी तो गेहूँ मतलब तैयार है, जो इसमें जो खर होते हैं गेहूँ का, तो अभी हम लोग उसको नोच के इनको खिलाएँगे, क्योंकि अभी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत हैं, तो अभी ये आराम से इधर चरा लेते हैं, और शाम को कुछ भूसा उसा फिर दे देंगे ले जाके खा लाने के लिए, क्योंकि प्रिंस तो स्कूल चला जाता है, तो हम दो बच्चे हैं, तो हम भी कभी कभी काम पे चले जाते हैं, अब मिल जाता है तो काम, जो काम नहीं होता तो हम लोग बकरी खोल देते हैं, तो अकेले ये भी जल्दी नहीं रहती, क्योंकि अकेले इनसे थमती नहीं, इधर भागती उधर भागती हैं जानवर। तो अभी फ़िलहाल इनको देख सकते हो उस पर पत्ता हल्के खा रही हैं। और तो दोस्तों आज हम लोग इसी में चराएंगे, पत्ता वत्ता खाएँगे, और अभी देख सकते हो तो सब अंदर हल्के खा रही हैं, चल रही हैं, और एक के लिए तो कब से दुख है, उसको पाती होती तोड़ के ले जाएंगे, क्योंकि भाई अभी शाम हो जाएगा, तो अभी खोले हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 12 एक बजने वाला है, तो हम लोग 4-5 बजे लेके जाएंगे, पूरा दिन इनको चराएंगे, अभी घुमा घुमा के इधर के यार बाल आर बगल में घुमा के चराएंगे, आए ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।